हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके सामने बात करूंगा केबीपी बाई के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में, केबीपी बाई के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की क्राइटेरिया के बारे में और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है केबीपी बाई के एग्ज़ामिनेशन की, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि केबीपी बाई क्या है। केबीपी बाई एक स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जो आपको आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए एक मंथली स्कॉलरशिप, एनुअली स्कॉलरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। प्री पीएचडी लेवल तक की ये होता है, इसमें स्कॉलरशिप के लिए मिलता है। तो केबीपीवाई का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई करने से पहले एक बार इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ की अदर डिटेल्स जो इसके लिए हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देखें कि आपके लिए फेलोशिप समरी जो है वो बीएससी, एमए, एमएस, बीए, सी, बीएस, बीटेस्ट, बीमैथ, इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएस के लिए मंथली देखें तो 5000 और एनुअली बात करें तो 20000 का ग्रांट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखें नीचे ड्यूरिंग द एमएससी फर्स्ट ईयर, तो ये है फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में जो आपकी इंटीग्रेटेड एमएससी उसके लिए यहाँ पे दे रखा है कि 7000 मंथली आपको यहाँ पे ये फेलोशिप है जो आपकी स्कॉलर से यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके लिए तीन रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें तीन बेसिक रूल्स हैं। देखें कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो कैरी करा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अदर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जिन स्टूडेंट्स ने अपना 2019-20 में क्लास 12th पास आउट की है, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, बायो से बता रहा हूँ मैं, बायो से जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 1920 में, सेशन 1920 में अपनी क्लास 12th पास की है, उनके मिनिमम मार्क्स 75% और 65% इसके लिए एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए, जिनके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने 2020-21 में जा रहे हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके जो स्कॉलरशिप होगी वो जब आपकी फॉर्म रिलीज, आपकी रिजल्ट आ जाएंगे और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 75% का वो फॉलो करेंगे, तब आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। बात करें उन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स ने इस साल अपनी बीएससी बीए पास किया है, तो उनके लिए जो है, उनके बीएससी बीए फर्स्ट ईयर जिन्होंने इस साल पास किया है, उनके बीएससी अपने फाइनल एग्जामिनेशन में जो बीएससी बीए में हुआ है उसमें एटलीस्ट 60% उनके मार्क्स होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के 60% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखिए, इसमें अदर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं कि जो बेसिक साइंस जिस सब के लिए अप्लाई हैं, बीएससी बीए बॉटनी, ये सब लोग स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। सिमिलरली मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, जिन्होंने 2019-20 में अपना मैथ स्ट्रीम से पास आउट किया है, उनके भी 75% मार्क्स इसमें होने चाहिए। तो ये तीन कैटेगरी थी जो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं वो मैं डेट्स आपको बता रहा हूँ। डेट से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.kbpy.iisc.ernet.in पर जाना पड़ेगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो डेट्स नीचे दे रखी हैं कि आपका जो ओपनिंग होगा फॉर्म, वो 8 जुलाई से फॉर्म आपका आ चुका है। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 20 अगस्त है। आपका एडमिट कार्ड सेकंड वीक ऑफ द अक्टूबर में आएगा, जबकि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 3rd of November को आपका एग्जामिनेशन होना है। तो अभी काफ़ी टाइम है एग्जामिनेशन में, फॉर्म भी जाना चलते हैं। जो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यू के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस होगी वो फीस जो है वो 500 रुपीज़ यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि जो केबीपीवाई के जो सेंटर्स हैं उनकी भी लिस्ट दी रही है, तो आप अपने यहाँ पे सेंटर भी चूज़ कर सकते हैं। तो केबीपीवाई का भी फॉर्म आ चुका है, जो स्टूडेंट्स में एलिजिबल हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें, थैंक यू। और एक नई अपडेट है आप लोगों के लिए कि हमारी जो टीम है वो आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगी। अनअकैडमी पर हमारी टीम डेली 2-3 दिन में एक कोर्स रिलीज़ करेगी, जिस कोर्स में आपका हम दिसंबर तक सारे का सारा आपका नीट का सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस आपका एम्स के लिए असेसमेंट रीजन प्लस जीके का सारा आपका कोर्स इसमें हम कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पे आपको डेली क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके लिए अपलोड होने लगे हैं आज से,
तो आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको हमारे काउंसलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नीचे दिए हुए लिंक्स में आप हमको अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।